हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रिया अपने ससुराल में बहुत खुश थी। शादी के बाद उसने अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था, चाहे वो अपनी सास कुसुम का ख्याल रखना हो या फिर अपने पति अभय को प्यार देना। उसने अपने हर रिश्ते को बड़े ही प्यार से निभाया था। लेकिन अब उसके मायके से खबर आती है कि उसके छोटे भाई रोहित की शादी फिक्स हो गई है, जिस पर वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी मेरे छोटे भाई की शादी फिक्स हो गई है। माँ का फोन आया था, बोल रही थी आपको बता दूँ। अच्छा बहू, ये तो बहुत खुशी की बात है, पर तेरी माँ को मुझे फोन करना चाहिए था। अब तेरी शादी हो गई है, तेरे से पहले मुझे हर चीज की खबर होनी चाहिए। आखिर मैं तेरी सास हूँ और इस घर की बड़ी हूँ। माँ जी, माँ को तो आपसे ही बात करनी थी, लेकिन आप सत्संग में गई हुई थी तो उन्होंने मुझे बता दिया। आप कहो तो मैं आपकी बात करवा दूँ माँ से। कोई नहीं बहू, छोड़ अब। वैसे कब की है शादी? माँ जी एक महीने बाद है शादी। चल बहू, अच्छा है, बधाई हो तुझे, तेरी भाभी आने वाली है। प्रिया इस खबर से बेहद खुश थी कि उसके छोटे भाई की शादी हो रही है। वो अपने कमरे में जाकर जरूरत की चीजों की एक लिस्ट तैयार करती है। तभी उसका पति अभय घर आता है और उसको ऐसे बिजी देखकर बोलता है, अरे मैडम जी क्या कर रही हो, आज मेरे आने का भी होश नहीं है। आ गए आप? यार वो मैं लिस्ट बना रही थी कि शादी में हमारी तरफ से क्या क्या होगा। शादी? किसकी शादी? ओह सॉरी, आपको तो बताया ही नहीं, वो रोहित की शादी फिक्स हो गई है अगले महीने। अरे वाह, छोटे साले साहब शादी करने जा रहे हैं, फिर तो खुशी की बात है। बनाओ बनाओ लिस्ट बनाओ, एक ही तो साला है मेरा, अच्छे से सारी चीजें करेंगे। सच्ची में ना? और नहीं तो क्या। अरे जब तुम अपने ससुराल के हर रिश्ते को इतने प्यार से निभाती हो तो भला मैं क्यों ना निभाऊं? अभय की ये बात सुनकर प्रिया उसको गले लगाकर बोलती है, अभय आप सच में बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आप जैसे पति मिले। अब देखना हम रोहित की शादी में कैसे धूम मचाएंगे। हाँ हाँ जरूर। प्रिया अपने भाई की शादी की तैयारियों में लग जाती है। वो अपनी और अभय की शॉपिंग शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद उसकी माँ नीलम रोहित के साथ उसके घर शादी का कार्ड देने आती है। कार्ड कुसुम को देते हुए वो बोलती है, समधन जी रोहित की शादी में आप सब सादर आमंत्रित हैं, तो आपसे अनुरोध है कि समय से आइएगा और प्रिया को तो 15 दिन पहले ही भेज दीजिएगा। उसके इकलौते भाई की शादी है, बहुत सारी तैयारियां करवानी है उसको मिलकर। जी बहन जी, वो तो समझती हूँ मैं, लेकिन आप क्या प्रिया को ही बुलाना चाहती हैं? अरे दामाद और उसकी माँ से कोई लेना देना है या नहीं? नहीं नहीं जी, आप गलत समझ रहे हैं। प्रिया तो कामों में हाथ बटाएगी, दामाद जी और आपसे हम थोड़ी काम करवाएंगे, इसलिए बोला ऐसे। चलिए कोई नहीं, आ जाएगी प्रिया। और रोहित बेटा खुश तो हो, शादी हो रही है तुम्हारी? हाँ हाँ आंटी जी खुश हूँ, और मेरी बड़ी बहन साथ होगी तो ज्यादा खुशी होगी मुझे, इसीलिए आप बस उसको समय से भेज दीजिएगा। ठीक है बेटा। रोहित और नीलम कार्ड देने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं और प्रिया के घर से बाहर आकर रोहित अपनी माँ से बोलता है, माँ अब दीदी को बुलाने के लिए पहले हमको उनकी सास से इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? उसके छोटे भाई की शादी है, वो तो खुद ही जल्दी आना चाहेगी। बेटा अब उसकी शादी हो गई है, वो तेरी बहन से ज्यादा अब उस घर की बहू है, इसलिए उसको हर काम उसकी सास की इजाजत से करना होगा, वरना रिश्तों में दरार आ जाती है। ऐसा है तो मैं अपनी बीवी को ऐसे रिश्ते में बांध कर नहीं रखूंगा। अगर मेरे लिए मेरे रिश्ते जरूरी हैं, तो उसके लिए भी उसके रिश्ते जरूरी हैं। उनको निभाने के लिए उसको हमारी इजाजत की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छा अब घर चल, बहुत काम है। रोहित और नीलम घर चले जाते हैं। शाम को प्रिया अपने पति अभय से बोलती है, अभय जी आप ना मुझे कल माँ के घर छोड़ देना, अब मैं शादी तक वहीं रुकूंगी। और हाँ मुझे पैसे भी दे देना, मुझे शॉपिंग करनी है अभी बहुत सारी। अरे मैं तो कहती हूँ आप भी मेरे साथ चलो, आपको भी तो कपड़े लेने हैं। अरे नहीं, मुझे इतनी छुट्टियाँ नहीं मिलेगी काम से। तुम ऐसा करो कि माँ को लेके चली जाओ और मैं रोज शाम को काम खत्म करके वहाँ आ जाऊँगा सीधा। हाँ ये ठीक है। प्रिया अगले दिन अपनी सास के साथ अपने मायके पहुँचती है, यानी अपने छोटे भाई की शादी में, और उसके आते ही सब बहुत खुश होते हैं। प्रिया और उसकी सास का अच्छे से स्वागत होता है, जिसके बाद नीलम उनको कमरे में आराम करने भेज देती है। अगले दिन से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। प्रिया अपनी माँ के साथ शॉपिंग करके घर आती है तो सारा सामान अपनी सास को दिखाते हुए बोलती है,
माँ जी ये देखिए, मैंने अपनी तरफ से ये सूट लिया है मेरी होने वाली भाभी के लिए। बहू ये तो बहुत महंगा लग रहा है, अरे मेरे बेटे की सारी सैलरी शादी पर ही लुटा देगी क्या? माँ जी मेरे छोटे भाई की शादी है, अपनी भाभी को सबसे बढ़िया चीज ही तो दूंगी। कुसुम की बात बात पर टोका टाकी, प्रिया के साथ उसकी माँ और रोहित को भी पसंद नहीं आती, लेकिन वो सब प्रिया की वजह से चुप रहते हैं। ऐसे ही शादी के दिन भाई को नोटों का हार डालने की रस्म होती है, जिसके लिए प्रिया पहले ही अपने पति अभय से बोलती है। अभय जी रोहित के लिए नोटों का हार बनवाना है, तो आप मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए, मैं उससे 5,100 वाला हार बनवा लूँगी। ठीक है ले लो। बहू पागल है क्या? अरे तेरे छोटे भाई की शादी है तो छोटा हार बनवा ले, इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है? माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे मेरे सगे भाई की शादी है, अगर अब खर्चा नहीं करूँगी तो कब करूँगी? सोचो अगर भाई की जगह मेरी ननन की शादी होती तो क्या तब भी आप खर्चा देखती? अरे ससुराल में आकर मैंने अपना हर फर्ज अच्छे से निभाया है, लेकिन अब मेरे मायके के लिए भी तो मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, उनको भी तो निभाना है मुझे। माँ प्रिया सही कह रही है, एक लड़की शादी के बाद अगर नए रिश्ते को इतने अच्छे से संभाल रही है तो हमें उसके पुराने रिश्ते को भूलने नहीं देना चाहिए। अब प्रिया का एक लौता छोटा भाई है तो सब कुछ वही संभालेगी ना। अपनी बेटी और बहू की बात सुनकर कुसुम को समझ आता है कि वो कितनी गलत थी, इसीलिए वो अपनी बहू को दिल खोलकर हर रस्म में भागीदारी लेने की इजाज़त देती है। अब रोहित की हल्दी की रस्म शुरू होने वाली थी, जिसमें प्रिया एक येलो रंग के लहंगे में तैयार होकर अपने भाई को हल्दी लगाते हुए बोलती है, मेरे छोटे भाई की शादी है, देखना मेरी लगाई हल्दी का ऐसा रंग चढ़ेगा कि दुल्हन से ज्यादा तो दूल्हा चमकेगा। हाँ दीदी रगड़ रगड़ कर लगाना हल्दी, ताकि मैं गोरा गोरा दिखूं। अरे साले साहब अब दीदी सही लगवाते रहोगे हल्दी या हमें भी मौका दोगे? अभय हाथों में हल्दी लेकर रोहित को लगाता है, जिसके बाद रोहित भी अपने हाथों में हल्दी लिए अपने जीजू के पीछे भागता है और सब ये नजारा देखकर हंसने लगते हैं। कुसुम डांस करने लगती है, ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग ताली बजाने लगते हैं, जिसके बाद घर के बाकी सदस्य भी उसके साथ डांस करते हैं और संगीत के फंक्शन को यादगार बनाते हैं। ये देखकर नीलम कुसुम से बोलती है, समधन जी आपने तो रौनक लगा दी मेरे बेटे की शादी में। अरे तो मेरी बहू के छोटे भाई की शादी है, मुझे भी तो खुशी होगी, अब आप बातों में समय मत गवाइए और नाचिए। अपनी सास को ऐसी नाचते गाते देखकर प्रिया बहुत खुश होती है। ऐसे ही अगली सुबह शादी का दिन आता है, प्रिया गुलाबी रंग के लहंगे में तैयार होकर अपनी सास को तैयार कर रही होती है, तभी उसकी सास अपनी बहू को काला टीका लगाते हुए बोलती है, बहू आज तो बहुत सुंदर लग रही है, भगवान करे जैसे तूने मेरे घर को संभाला है ना, तेरे भाई की होने वाली बीवी भी तेरे घर को इसी तरह संभाल ले। हाँ माँ जी मुझे भी बस यही चाहिए कि मेरी होने वाली भाभी अपने ससुराल और मायके दोनों जगह की जिम्मेदारियाँ और रिश्ते अच्छे से निभाए, क्योंकि ससुराल वाले जितने जरूरी हैं मायके वाले भी उतने ही जरूरी हैं। सही कहा बहू तूने। इतने में ही रोहित शेरवानी पहनकर प्रिया को बुलाने आता है और उससे बोलता है, अरे दीदी आज आपके छोटे भाई की शादी है, खुद तो तैयार हो गई, जरा मुझे भी कर दो, अब कोई मुझे तैयार ही नहीं कर रहा। अरे रे दूल्हे राजा को कोई नहीं पूछ रहा, आओ बेटा मैं तुमको तैयार करती हूँ। कुसुम रोहित को बारात के लिए तैयार करती है, जिसके बाद बड़े ही धूमधाम से रोहित की बारात निकलती है और प्रिया सबसे आगे नाचते गाते हुए अपने छोटे भाई की शादी की खुशी मनाती है और गाते हुए बोलती है, बड़े बड़े भाइयों के छोटे भैया आज बनेंगे किसी के सैया। अभय अपनी बीवी के ऊपर से नोट बारते हुए उड़ाता है और कुसुम अपनी बहू की बलाई लेती है। इसी के साथ प्रिया के छोटे भाई की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न होती है और अगली सुबह वो अपनी नई नवेली भाभी को घर लाकर उनका बड़े ही प्यार से स्वागत करती है और खुशी खुशी हर रस्म पूरी होती है। और इस शादी की वजह से कुसुम को भी ये समझ आता है कि शादी के बाद एक लड़की के लिए मायके के रिश्ते भी उतने ही जरूरी होते हैं
जितने ससुराल के होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।